अजय देवगन, माधवन और ज्योतिका स्टारर मूवी शैतान का टीजर आ चुका है। ये सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर विकास बहल ने बनाई है, जो कंगना की क्वीन बना चुके हैं। सबसे स्पेशल बात यह कि गुजराती मूवी वस का रीमेक है, जो ऑलरेडी गुजराती बेल्ट में बहुत अवार्ड जीत चुकी है। इससे एक बात तय होती है, मूवी कंटेंट ड्रिवन है और पब्लिक को पहले से ही टेस्टेड कंटेंट मिलेगा, यानी सब कुछ बेहतर होने वाला है। नंबर टू, अजय देवगन का इस मूवी से जुड़ना। अजय देवगन पहले इस मूवी से बतौर प्रोड्यूसर जुड़ना चाहते थे, बट अब एज एन एक्टर भी जुड़ चुके हैं। यानी बतौर प्रोड्यूसर एक्टर जब वो जुड़ते हैं तो मूवी कॉन्टेंट के साथ कोई कम्प्रोमाइज नहीं होता, ये अजय देवगन की गारंटी होती है। इसके अलावा एक स्पेशल फैक्टर और है, और वो है हॉरर जॉनर में अजय देवगन की कमबैक, यानी दोबारा से एंट्री। अजय देवगन हॉरर जॉनर में बहुत अच्छा काम करते हैं, सिर्फ हॉरर जॉनर में नहीं बल्कि सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा में भी करते हैं। अगर आप देखेंगे दीवानगी हो या दृश्यम, जहाँ सस्पेंस थ्रिलर का ड्रामा आता है, अजय देवगन बहुत ही बेस्ट एक्सप्रेसिव एक्टर साबित होते हैं। और राम गोपाल वर्मा की मूवी भूत में आपने उनका काम अपीयरेंस देखा होगा, ऐसे में भूत के बाद उनका इस जॉनर में आना पब्लिक के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये मूवी हॉरर जॉनर को बड़े ए स्टार लिस्ट में वापस से कमबैक करा रही है। अभी तक हॉरर फिल्मों के नाम पर जो ठप्पा था वो महेश भट्ट ने छोटे एक्टर पे लगा रखा था। तीसरा फन फैक्टर, इस मूवी के साथ साउथ की फेमस एक्टर ज्योतिका का कमबैक, जो कि करीब 27 साल बाद होने वाला है। नंबर चार पर आता है माधवन का डेविल अपीयरेंस। माधवन ने बहुत कम फिल्मों में निगेटिव रोल प्ले किए हैं, बट जब वो प्ले करते हैं निगेटिवली बहुत ही अच्छे साउंड करते हैं। और वैसे भी अजय देवगन माधवन जैसी कास्ट जब किसी मूवी से जुड़ती है तो मूवी बहुत ही स्पेशल हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।